Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Devraj? देवराज, मेरे विचारों का ये कैसा दंड दिया है आपने मुझे? आप इसे अपने दुराचार का दंड समझिए। जो भूल मुकंदा से हुई थी उसका पश्चाताप करने से पहले ही उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो माता बनने वाली है। इतना सुखद आभास, एक नए जीवन का आगमन, किंतु उसके जन्म का आधार एक दोष था, अविश्वास था, अपने पति के प्रति विश्वासघात था। और अब ऋषि वाचक नीति के यात्रा से लौटने का समय भी अब निकट आ रहा था। देवी मुकुंदा, मैं आ गया हूँ, मेरी यात्रा संपन्न हुई, मैं आपके लिए क्या क्या भेंट लाया हूँ। देवी, मुझे ज्ञात है मैं लंबी यात्रा पे गया, इसलिए आप अवश्य मुझसे क्रोधित हैं, किंतु अब मैं आ गया हूं, मुझे दंडित मत कीजिए, सामने आइए। देवी देवी, इस प्रकार मुख फेर कर मत रहिए। देवी, हमें दर्शन दीजिए। ये शिशु, आप इसकी माता हैं? बताइए, मुझे उत्तर दीजिए। मैं समझ गया, आपने मेरे विश्वास को भंग करने का पाप किया है। अब से आपके लिए ना मेरे हृदय में कोई स्थान है, ना मेरे आश्रम में। जाइए, मैं आपको अपने जीवन से निष्कासित करता हूं, निष्कासित करता हूं। विश्वासी मन के विश्वास को खंडित करना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है भला? और ऐसा पाप करने वाला कभी शांति से कहां सो पाता है? देवी मुकुंदा इसी कष्ट, इसी पीड़ा में अपना समय व्यतीत कर रही थी। पुत्र रूप में संतान पाने के बाद भी उसका मन दुखी था, और एक दिन ऋषि वाचक नीति अपनी यात्रा से लौट आए। इसका शिशु है ये? ये तो जैसे मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। आपने मेरे विश्वास को भंग करने का पाप किया है। अब से आपके लिए ना मेरे हृदय में कोई स्थान है, ना मेरे आश्रम में। जाइए, मैं आपको अपने जीवन से निष्कासित करता हूँ, निष्कासित करता हूँ। रुकिए, शिशु किसी का भी हो, किंतु इसमें इस शिशु का क्या दोष? एक अबोध शिशु को और उसकी माता को वन में भटकने के लिए छोड़ देना, ये महापाप होगा, और मैं ये पाप नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इस आश्रम में रहने की अनुमति देता हूं।
किंतु स्मरण रहे, समय आने पर इसकी शिक्षा के अधिकार से मैं आपको वंचित करता हूँ। ऋषि वाचक नीति ने अपनी महानता का परिचय दिया और उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे ग्रस्तमत नाम दिया और उसे शिक्षा भी दी और उसका आरंभ गणपति पूजन से किया। और ज्ञान देने की कृपा कीजिए गुरुवर। गुरुवर पिता होने के नाते मैं तुम्हें जितना ज्ञान दे सकता था मैं दे चुका हूं पुत्र। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। प्रभु गणेश जी की कृपा से अब तो तुम स्वयं परम ज्ञानी ऋषि बन चुके हो। फिर मेरे भीतर और अधिक सीखने की इच्छा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना शेष है? पुत्र, हो सकता है भविष्य में तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यदि कोई ऐसा प्रश्न तुम्हारे समक्ष आए जिसका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिले तो स्मरण रखना पुत्र कि जब किसी प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलता तो उसका उत्तर ईश्वर के पास अवश्य होता है। प्रभु गणपति की कृपा से और गुरु के मार्गदर्शन से ग्रस्तमत स्वयं एक महान ऋषि बन गए जिनके ज्ञान की ख्याति सभी दिशाओं में फैल गई। किंतु व्यक्ति का भूत उसके भविष्य पर भी ग्रहण लगा देता है, जिसका परिचय ऋषि ग्रस्तमत को भी होने वाला था। मगध नरेश अपने पिता के श्राद्ध पर सभी ऋषियों को दान दे रहे थे, तभी जब वहां ऋषि ग्रस्तमत भी पहुंच गए। आइए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आइए। ये कैसा अनर्थ है राजन? एक ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं, उन्हें हमारे समान स्थान देकर कहीं हमारा अपमान तो नहीं कर रहे आप? ये बात अनुचित है, ये आपको शोभा नहीं देती। शोभा तो आपको भी नहीं देता इस प्रकार हमारे साथ बैठना और हमारे साथ आसन ग्रहण करना। आप सभी से भूल हो रही है, मैं ऋषि वाचक नीति का पुत्र ग्रस्तमद हूँ। पुत्र समान पालन पोषण ही किया है उन्होंने आपका। अब जाइए, हमसे प्रश्न करने के स्थान पर अपनी माता से प्रश्न कीजिए। जो सत्य है हम वही कह रहे हैं, असत्य बोलना हमें आता नहीं है, और पूर्ण सत्य तो आपको अपनी माता से ही ज्ञात होगा। जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं, और पूर्ण सत्य तो आपको अपनी माता से ही ज्ञात होगा। माँ, मैं आपका पुत्र, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, किंतु भरी सभा में आपका और मेरा अपमान किस कारण से हुआ ये जानने का अधिकार है मुझे। बताइए माता, क्या मैं ऋषि पुत्र नहीं हूँ? आप इसे अपने दुराचार का दंड समझिए। तो मुझे बताइए माता, सत्य क्या है, क्या हुआ था ऐसा? पुत्र, तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो। देवराज इंद्र, देवराज
नहीं, ये संभव नहीं है। यही सत्य है पुत्र, जो कुछ भी हुआ वो मेरा दोष था, तुम्हारा नहीं। मुझसे ही ये भारी भूल हुई थी। जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं। इस जीवन का क्या लाभ जिसमें सभी से उपेक्षा और अपमान का भागी बनूंगा मैं, जिसमें अपमान भरी एक एक श्वास कांटों की तरह चुभेगी मुझे। नहीं पुत्र, अपने जीवन को कोसने का कोई लाभ नहीं। मैं चाहती तो तुम्हें सबसे छुपा सकती थी, तुम्हारे जीवन के आरंभ के साथ ही उसका अंत कर सकती थी, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी भूल स्वीकार की, अपने ऊपर दोष लिया, समस्त संसार के अपमान को सहा और तुम्हें सुरक्षित रखा। नहीं माता, ये जीवन नहीं है, ये तो असंख्य कंटकों की चुभन है। जैसे मैं स्वयं एक कटीला पौधा हूँ, ये दिया है आपने मुझे, तो जाइए, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप भी एक कांटों से भरा पौधा बन जाइए। मेरी ममता, मेरे प्रेम का तुम्हें स्मरण नहीं रहा? क्रोध में आकर तुमने ये क्या कर दिया पुत्र? क्रोधवश अपनी माँ को श्राप देना एक आसुरी भाव था पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र एक असुर होगा। क्यों हुआ ये मेरे साथ? क्या दोष था मेरा? कोई तो इन प्रश्नों का उत्तर दो। जब किसी प्रश्न का उत्तर और कहीं नहीं मिलता तो उसका उत्तर ईश्वर के पास अवश्य होता है। प्रभु, मैंने ये क्यों किया? मैंने अचानक आवेश में आकर अपनी माता को ही शापित क्यों कर दिया? मुझे बताइए प्रभु, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु, नहीं तो अपनी माता को दिए श्राप की ग्लानी में झुलसता ही रहूंगा। जब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मैं यहीं बैठकर आपकी तपस्या करूंगा प्रभु। ओम गंगणपते नमः, 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 ओम गंगणपते। इसी प्रकार समय बीतता गया। वर्षों तक संसार से पूर्ण रूप से विलग होकर वृत्समत गणेश की भक्ति में पूर्ण रूप से डूबे रहे। तभी मेरे एक परम भक्त वहां पहुंचे, जिनका नाम था विश्वदेव। विश्वदेव के अनुसार मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं थे, किंतु उन्हें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने का समय आ गया था। ओम गणपते नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, ओम श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? नाम ले रहे हैं मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का और पूजा कर रहे हैं इनकी, ये उचित नहीं है। इसमें अनुचित क्या है? मैं भी तो ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, उन्हें किसी भी रूप में पूजूं, किसी भी रूप में सुनूं, भक्त की भक्ति तो भगवान तक पहुँच ही जाती है, फिर चाहे श्री गणेश की पूजा करूँ या आपके हरि नारायण। नहीं नहीं, ईश्वर तो एक ही है, मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हमारे पालनहार। आपको भी सिर्फ उनकी ही पूजा करनी चाहिए, किसी और की नहीं। आपके मेरे नहीं,
प्रभु तो हम सबके एक ही हैं। गणेश ही नारायण है और नारायण ही गणेश। हम ही उन्हें भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये सत्य है, भगवान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करते हैं, पर तत्व एक ही है। जैसे स्वर्ण एक हार के रूप में हो, एक कंगन के रूप में या एक मुकुट के रूप में, लेकिन तत्व तो एक ही है। उसी प्रकार प्रभु श्री गणेश, प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण, माता पार्वती, सभी के भीतर परम ब्रह्म का ही तत्व है। इनका कोई स्वरूप ही नहीं जो निराकार है और निर्गुण है। नहीं, मेरे प्रभु श्री हरि नारायण सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हीं की पूजा करता आया हूं और उन्हीं की पूजा करूंगा। अभी ज्ञात हो जाएगा कि सत्य क्या है। मेरे प्रभु कृपा करेंगे। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दें। ओम गंगणपते नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। ओम गंगणपते नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपने मेरे प्रभु की प्रतिमा क्यों बदल दी? आपने छल किया है मेरे साथ। ये कैसे संभव है? देखिए ऋषिवर, दोनों ही स्थानों पर आप ही के आराध्य हैं। बड़ी विचित्र बात है, यहां भी मेरे प्रभु और वहां भी। ऐसे ही भक्ति भाव से देखेंगे तो दोनों ही स्थानों पर आपको प्रभु गणेश जी के दर्शन होंगे। किसी भी धर्म और संप्रदाय से बढ़कर भक्ति है तो प्रभु के लिए भक्ति एक है, तो भगवान भिन्न कैसे हो सकते हैं? वो भी तो एक ही होंगे ना। आपका संकेत समझ गया मेरे प्रभु। भक्त को कभी भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए, मन में भक्ति का भाव रखना चाहिए। हे ऋषिवर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। भेद भाव की भक्ति से ऊपर उठकर प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर धर्म को उचित प्रकार से समझ सका। अब यही कामना है, इस निर्जीव स्थान पर आप जिस भी प्रयोजन से ये पूजा कर रहे हैं, प्रभु उसे समझकर शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार एक भक्त ने दूसरे भक्त की आंखें खोल दी, उन्हें ये ज्ञान दिया कि ईश्वर भिन्न रूप में होने पर भी एक ही है। महत्व इसका नहीं कि भक्त ईश्वर को किस रूप में पूजे, महत्व तो इसका है कि भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है, क्योंकि उसी से भगवान की कृपा मिलती है। और ऋषि गृहस्थमत ने अपनी अपूर्व निष्ठा से लंबे समय तक पूजा कर ऐसी भक्ति का प्रमाण दिया था। तो अंततः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्त गृहस्थमद, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। कहो वत्स, क्या चाहते हो तुम? भक्त क्या चाहता है प्रभु? आपकी भक्ति में लीन रहना,
और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इतना ही वरदान दीजिए। क्या तुम भूल गए? तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न थे तुम्हारी माता को लेकर, क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपके दर्शन हो गए, उन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं रहा प्रभु। अनंत काल तक आपका भक्त बना रहूं, इसी प्रकार आपके दर्शन का सुख पाता रहूं, और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु मुझे। भक्ति का सुख मांगकर तुमने सब कुछ पा लिया है गृहस्थमद। भक्त भक्ति में लीन रहे तो उसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है गृहस्थमद। मुझे तुम्हारी सभी इच्छाएं ज्ञात हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब ना तुम्हें कोई अपमान सहना होगा और ना ही तुम ग्लानी के भागी रहोगे। मैं तुम्हारी माता को भी तुम्हारे उस शाप से मुक्त करता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम सदा मेरे भक्त के रूप में जाने जाओगे। इस स्थान पर जहाँ तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए, वही एक भव्य मंदिर स्थापित होगा जिसका नाम वरद विनायक मंदिर होगा, जहाँ जो भी भक्त तुम्हारी कथा सुनते और सुनाते हुए आएंगे उनकी इच्छाएं बिना मांगे ही पूर्ण हो जाएंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है, भक्त के अंतर में क्या इच्छा है ये उन्हें ज्ञात है, और जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं प्रभु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तब तो स्वामी प्रभु वरद विनायक को ये भी ज्ञात होगा कि मेरी क्या इच्छा है। हाँ माता, आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय अब निकट है। आपकी अष्ट विनायक यात्रा अब संपन्न जो होने वाली है। इस यात्रा में आपका अगला पड़ाव है गिरिजात्मक गणपति धाम। स्वामी, यहाँ देवी पार्वती के होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? वो इसलिए देवी, क्योंकि इस मंदिर की महिमा का संबंध बहन पार्वती से है। वही स्थान है जहां देवी पार्वती ने प्रभु गणाधिपति का ध्यान किया, जिसे वो उन्हें अपने पुत्र अर्थात प्रभु मयूरेश्वर के अवतार के रूप में पा सके। हे माता, ये स्थान जहां आपने मेरी पूजा और आराधना की है, यहां एक मंदिर स्थापित होगा जो मेरे नाम से नहीं अपितु आपके नाम से जाना जाएगा। उस मंदिर का नाम होगा गिरजात्मा गणपति मंदिर। यहाँ सच्चे मन से जो भी संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आएगा उसकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है प्रभु मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुनेंगे। उनकी माता होने पर भी देवी पार्वती ने प्रभु गणेश की प्रार्थना की और ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि विघ्नहर्ता सभी भक्तों की सुनते हैं, सभी के विघ्न दूर करते हैं। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। माता, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय। वो समय भी शीघ्र आएगा माता, किंतु अभी तो आपको अगले अष्ट विनायक धाम विघ्नेश्वर विनायक धाम जाना है। अवश्य गजानन द्वारा किसी बड़े विघ्न को हरने पर ही इस मंदिर का नाम पड़ा है विघ्नेश्वर विनायक।
मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए ना स्वामी, बताइए ना उन्होंने यहाँ किसका विघ्न हरा था। विघ्न तो प्रभु हरते ही हैं, किंतु यहाँ एक विचित्र बात हुई थी। इस मंदिर का नाम विघ्न हरने के कारण नहीं, एक विघ्न रूपी असुर के कारण पड़ा था। मंदिर और एक असुर के नाम पर? दूसरे के मार्ग में विघ्न डालने वाले ये भूल जाते हैं कि वो विघ्न उन पर भी भारी पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ देवराज इंद्र के साथ होने वाला था। कैसा प्रकाश है ये? कौन है ये जिसका प्रकाश मेरी दृष्टि को बाधित कर रहा है? किसका दुस्साहस है ये जो बार बार मेरे आनंद में बाधा उत्पन्न कर रहा है? अभी जाकर से दंडित करता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं आप देवराज, ये तो किसी के यज्ञ का परिणाम है, इसे कैसे रोकेंगे आप? देवऋषि कौन है ये? राजा अभिनंदन, जिसकी तपोशक्ति शीघ्र ही आपकी शक्ति से भी अधिक होने वाली। नारायण नारायण। ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा। तो ये है राजा अभिनंदन जो अनंत यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है देवराज, इसे रोकना कदाचित आपके लिए कष्टदायी भी हो सकता है। सावधान रहिएगा देवराज। नारायण नारायण। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। राजा अभिनंदन, जिसकी तपोशक्ति शीघ्र ही आपकी शक्ति से भी अधिक होने वाली। ओम स्वाहा। देवऋषि ने मुझे सावधान अवश्य किया है, किंतु मुझे कोई ना कोई युक्ति अवश्य ढूंढनी होगी। राजा अभिनंदन मुझसे अधिक शक्तिशाली बन जाए, उसके पूर्व मुझे इस यज्ञ को रोकना होगा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इस यज्ञ की ऊर्जा से मैं स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा, क्या तो मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। ओम यज्ञ स्थल पर पहुंचना ही होगा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। राजन। प्रणाम देवराज। राजन अपने यज्ञ को सफल समझी, क्योंकि मैं देवराज इंद्र स्वयं यहां आया हूं आपको आशीर्वाद देने के लिए। मैंने अपना यज्ञ किसी फल की अभिलाषा से नहीं किया है देवराज, जो फल मुझे प्राप्त हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है और ऐसा ही आगे भी होगा। ये तो मेरे तप का ही फल है जो आप स्वयं मुझे दर्शन देने प्रकट हो गए। किंतु राजन, किंतु अभी मुझे अन्य देवताओं और स्वयं त्रिदेवों के दर्शन भी प्राप्त होंगे, तब तक मैं अपना ये यज्ञ कदापि नहीं रोकूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए देवराज। ओम स्वाहा। ये युक्ति तो विफल हुई, मुझे कुछ और सोचना होगा। राजा अभिनंदन का यज्ञ सफल हो और यज्ञ की शक्ति का दुरुपयोग करें
और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करें, उसके पूर्व हमें राजा अभिनंदन को रोकना होगा। उचित कह रहे हैं देवराज, हमें कुछ तो करना ही होगा। राजा अभिनंदन मुझसे अधिक शक्तिशाली हो जाए, कदाचित मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा। और इस सम्मान को बनाए रखने के लिए इस यज्ञ को नष्ट करना ही होगा। देवराज, हम देवता हैं, असुर नहीं। यज्ञ में बाधा डालना नहीं, उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। आप उचित कह रहे हैं वायुदेव, ये एक असुरी कार्य है, असुरी। तो क्यों ना हम एक असुर ही उत्पन्न करें। उत्तम भक्त वही है जो मत मतांतर को भुलाकर निर्मल भाव से श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के शरणागत हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।